हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ आशुतोष दुबे। टुडे विल बी डिस्कस अबाउट डिमांड कर्व, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स या क्रॉस प्राइस, इफेक्टिव इफेक्ट, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स, बायर इनकम टेस्ट एंड प्रीफ्रेंस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, सबसे पहले हम आपको बताएंगे प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। यहाँ पर हम एक वाई एक्सेस बना लेंगे और ये एक्स एक्सेस बना लेंगे, यहाँ पे जीरो बना लेंगे हमने। और यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे ये प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। मान लीजिएगा कि हम वो चाय पीते हैं, और चाय और कॉफ़ी, अगर कॉफ़ी के प्राइस बढ़ जाएंगे तो चाय की अगर कॉफ़ी के प्राइस बढ़ेंगे तो चाय की डिमांड बढ़ जाएगी। यानी कि यहाँ पर हम ये इसको हम डायग्राम से शो करेंगे, प्राइस और यहाँ पर ये आपका Q1 से यहाँ से और आपकी यहाँ पर आपका ये आ गया। क्योंकि अगर एक चीज़ के प्राइस बढ़ते हैं तो दूसरी चीज़ की डिमांड बढ़ती है, और अगर एक चीज़ के प्राइस घटते हैं तो दूसरी चीज़ की डिमांड बढ़ती है। तो चाय की सबसे पहले हमें ये चाय की डिमांड हमारी यहाँ से पहले यहाँ थी और यहाँ से फिर आपकी यहाँ हो गई, यानी कि DD1 हो गई। इंक्रीज़ द प्राइस ऑफ कॉफ़ी, डिक्रीज़ द प्राइस ऑफ कॉफ़ी, अगर कॉफ़ी के प्राइस घट जाएंगे, डिक्रीज़ द प्राइस ऑफ कॉफ़ी, तो चाय की डिमांड कम हो जाएगी। क्योंकि ये आपके जो सब्स्टिट्यूट गुड हैं, अगर एक गुड्स की कीमत कम होती है और दूसरे गुड्स की ज़्यादा हो जाती है तो उससे जो दूसरा गुड उससे रिलेटेड होता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। ये आपका लॉ ऑफ डिमांड कहता है। अगर तो फिर ये आपका यहाँ पर ये इधर से आपका इधर शिफ्ट होगा। अब इसी तरह आपको समझा दें, कम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जो एक दूसरे को मिलके चलते हैं। और आपका ये कार एंड पेट्रोल, अगर पेट्रोल के प्राइस बढ़ जाएंगे तो कार की डिमांड कम हो जाएगी। यानी कि अगर यहाँ पर आपका ये है ओपी, तो फिर आपकी ये डिमांड जो हो जाएगी, ये कार की डिमांड कम हो जाएगी, ये OP2 और ये DD2 हो जाएगा। और यहाँ से अगर पेट्रोल के दाम कम हो जाएंगे तो कार की डिमांड बढ़ जाएगी। अगर कार की डिमांड बढ़ जाएगी तो यहाँ पर ये Q1 और ये DD1, अगर पेट्रोल के दाम कम हो जाएंगे तो कार की डिमांड बढ़ जाएगी, पेट्रोल के दाम ज़्यादा हो जाएंगे तो कार की डिमांड ये कम हो जाएगी, तो ये Q2 और ये Q2 इस तरीके से आपका ये रिप्रेजेंट हो जाएगा। अब आपको बात बता दें, ये टेस्ट एंड प्रीफ्रेंस में वो चीज़ें हमारी आती हैं। अगर मान लीजिएगा हमें अगर किसी भी चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो उसकी डिमांड कभी भी कम नहीं होगी। क्योंकि ये इस पर निर्भर करता है कि टेस्ट एंड प्रीफ्रेंस पे, अगर चाहे इसकी कीमत कितनी भी बढ़ जाए और जो हमारा जो टेस्ट है वो इसी में काम करेगा। टेस्ट एंड यानी कि OP Q से यहाँ पर Q1 हो जाएगा, ये हमारा टेस्ट एंड प्रीफ्रेंस पे वर्क करता है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, जब हमको ये मालूम पड़ेगा कि अगर किसी भी चीज़ के अगर दाम बढ़ जाएंगे तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में तो उस चीज़ की डिमांड बढ़ जाएगी। अगर डिमांड, यानी कि ये हम डायग्राम लेंगे P Q और ये डिमांड हमारी हो जाएगी PQ और ये डिमांड D1 हो जाएगी। और ये फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में अगर ये लगेगा, अगर किसी भी चीज़ की अगर डिमांड कम हो जाएगी तो फिर आप ये अगर किसी भी फ्यूचर में ये लगेगा इसमें चीज़ की प्राइस कम हो जाएगी तो उसकी डिमांड ये कम हो जाएगी। अब ये बात करते हैं हम ये बायर इनकम पर। एक तो हमारा होता है नॉर्मल गुड्स और दूसरा होता है गिफिन गुड। नॉर्मल गुड वो होता है जो सबसे अच्छा गुड होता है। इसमें हम ये यहाँ पर ये वाई और ये एक्स और ये जीरो, यहाँ पर हम प्राइस शो करेंगे, यहाँ पर क्वांटिटी शो करेंगे। अगर हमारी इनकम बढ़ जाएगी तो फिर हम सबसे अच्छा गुड्स ख़रीदना पसंद करेंगे। यानी कि पी और ये क्यू और ये हमारी यहाँ पर ये Q1 यानी कि DD1 हो जाएगा। अगर हमारी इनकम कम हो जाएगी
तो फिर हम ये हमारा ये डी ये यहाँ से ये ओ क्यू टू डी डी टू यानी कि ये हमारा कहना चाहिए ये हमारा ये जो डायग्राम जो शो करेगा वो मतलब कहना चाहिए यहाँ पर जो हम हमारी कम इनकम हो जाएगी। अब बात करते हैं नॉर्मल गुड्स वो गिफिन गुड्स में इसका उल्टा होता है। अगर हमारी आमदनी अगर बढ़ेगी अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो फिर हमारी उसकी डिमांड कहना चाहिए घटेगी, क्योंकि गिफिन गुड्स को कोई क्यों कम अच्छा लेना पसंद है, अच्छा लेना पसंद है जब अच्छा लेगा तो इसकी जो डिमांड बढ़ेगी यहाँ से यहाँ आ जाएगी, और अगर इसके ये उल्टा होगा तो ये इधर से इधर शिफ्ट होता है।